नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। लाजवर्त रत्न, जिसकी चर्चा हम कुछ दिनों से अपने वीडियोज में कर रहे हैं, आज आपको कुछ और अच्छी जानकारी देता हूँ। आज हम शुरुआत ही विशेष से कर रहे हैं इस वीडियो की। जिनका जन्म फरवरी में हुआ है उनका भाग्य चमकाने में विशेष सहायक होता है लाजवर्त। तो अब आप फरवरी माह में पैदा हुए हैं, राशि कोई सी भी क्यों ना हो, तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। लाजवर्त आपको टॉप पर ले जा सकता है, टॉप पोजीशन पे। बच्चों को ये जरूर पहनना चाहिए। गले संबंधी बीमारियों से लाभ मिलता है। धनु राशि वाले इसको जरूर पहने। इसको पहनने से शनि दोस्त हो जाते हैं और आपके जीवन में खुशियां देने लगते हैं। राहु केतु भी आपके मित्र बन जाते हैं और वो भी आपको अच्छे परिणाम देने लगते हैं। आपके मन में कोई धक्का लगा हो, आपको किसी ने धोखा दिया हो, चाहे वो धोखा प्यार में दिया हो, चाहे वो व्यापार में दिया हो, चाहे वो दोस्ती में दिया हो, चाहे कैसे भी दिया हो, उस धक्के उस धोखे की वजह से आपका दिल अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पाया है। आप उसी यादों में खोए हुए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हैं। किसी की यादें दिल से निकल नहीं रही, लेकिन वो व्यक्ति भी धोखेबाज था या धोखेबाज थी। तो ऐसे में आप अपना कैरियर, अपना वक्त सब कुछ खराब कर लेते हैं। तो ऐसे में आपको लाजवर्त रत्न पहनना चाहिए। या आपकी दिल की और आपकी मानसिक स्थिति को कंट्रोल करके आपको उन सब बुराइयों से, उन सब डिप्रेशन वाली बुरी बातों से बाहर निकाल कर एक नई जिंदगी की तरफ लेकर जाएगा। टूटे हुए दिल का बहुत अच्छा इलाज है लाजवर्त रत्न। किसी परीक्षा, किसी कंपटीशन में जाना है, कोई गेम जीतनी है, कोई परीक्षा में अच्छे अंक लेकर आने हैं, तो इसको पहनिए। दिमाग एकाग्र हो जाएगा, याददाश्त बढ़ जाएगी, तो बढ़िया काम हो जाएगा, नंबर वन होंगे आप। आपके सुख को देखकर कोई दुखी हो रहा है, कोई जल रहा है, कोई जादू कर रहा है, कोई भूत पिशाच छोड़ रहा है, कोई नजर लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, ऐसे लोगों के मुंह पर ऐसा तमाचा है ये रत्न कि वो लोग तो शांत हो ही जाएंगे और उन्होंने जो किया होगा वो भी हट जाएगा इसको धारण करने से। आपकी दुकान चल रही है, आपके घर में रोज नई चीजें आ रही हैं, आपकी नौकरी बढ़िया चल रही है, आप बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन दुश्मन और जलने वाले लोगों को कैसे बचाएं, कैसे रोकें, वो तो अपना काम करते रहेंगे। उनकी बुरी नज़र, उनकी बुरी हाय से आपका परिवार खराब हो रहा है। ऐसे में लाजवर्त रत्न धारण करिए। व्यापार हो या नौकरी हो या दुकान हो या ऑफिस हो, समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और वो जलते रहेंगे और जल जल कर खुद ही जल जाएंगे और आप पनपते हुए टॉप पर पहुंच जाएंगे। गाड़ी चलाते हैं, व्हीकल चलाते हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, दुर्घटना का भय है, रात रात भर अंधेरे जगहों पर गाड़ी चलानी पड़ती है, सुनसान जगहों पर रहना पड़ता है, ऐसे में आपकी रक्षा करता है इंसानों से भी और बुरी आत्माओं से या बुरी शक्तियों से भी। आपकी कमाई को बढ़ाता है। आपकी विरोधियों के मुंह पर ये एक ऐसा तमाचा मारता है कि विरोधी शांत हो जाते हैं। राजनीति में तरक्की होती है। टोना टोटका, भूत प्रेत का जादू, टोना का असर कम होता है। पुलिस के मुकदमे या केसबाजी जो कुछ चल रही है तो उसमें पक्ष आपका भारी हो जाता है, ध्यान रखिएगा। मांगलिक दोष भी ये समाप्त करने की हिम्मत रखता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, कुंभ, मकर लग्न वाले लोग और धनु राशि वाले लोग इसको जरूर पहने, जरूर पहने, जरूर पहने। दूसरी चीज और आपको बता देते हैं, शनि जन्म कुंडली में पहले भाव, तीसरे भाव, छठे भाव, नवे भाव, दसवें भाव, ग्यारहवें भाव में हो तो इसको पहने। शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही हो तो इसको पहने। शनि की साढ़े साती या ढैया चल रही हो तो इसको पहने। शनि के कुंडली में कोई अशुभ प्रभाव हो तो इसको पहने। राहु केतु से काम बिगड़ रहे हो, शनि से काम विलंबित हो रहे हो तो इसको पहने। और याद रखें कि एक ऐसा सस्ता बढ़िया ओरिजिनल रत्न है जो आपको सफलता के अलावा और कुछ नहीं देता है।
नौकरी में तरक्की और विरोधियों को शांत कर देता है जो आपके पीठ पीछे आपके लिए जाल बुन रहे हैं, उनसे मुक्ति दिला देता है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया ये रत्न है। बहुत लोगों की बुकिंग आ भी गई है, उनको धीरे धीरे भेजना है, दो चार दिनों में शुरू कर देंगे। आनंद आ जाएगा इस रत्न को पहनने से। बस रत्न की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ओरिजिनल होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आपको करके देते हैं। ये अंगूठी या फिर लॉकेट में उपलब्ध है और इसकी कीमत है 2100 रुपये। आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके एल लिखकर भेज दें, आपको सारी डिटेल्स आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जितना जल्दी पहनेंगे उतना बढ़िया है, क्योंकि 23 सितंबर से राहु केतु भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं, तो राहु और केतु आपके लिए क्या अशुभ और क्या शुभ लेकर आएंगे ये भी जानना जरूरी है। लेकिन शुभ को शुभ बना देता है ये रत्न, अशुभ को भी शुभ बना देता है यह रत्न। पहनिए, धारण करिए, दिए गए नंबर पर संपर्क करिए। मात्र 2100 रुपये का है ये रत्न। ये आपको कोरियर के द्वारा भेजा जाएगा। इसमें सारी विधि होगी, कैसे पहनना है, कब पहनना है, XYZ आपको चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी। आप इसे लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज के पंचांग की। 23 तारीख का यह पंचांग है। सूर्योदय होगा 5:58 AM पर, सूर्यास्त होगा 6:48 PM पर। वार है रविवार, तिथि है शुक्ल पक्ष पंचमी, नक्षत्र है आपका चित्रा और योग है शुभ। अभिजीत मुहूर्त है 11:57 AM से लेकर 12:49 PM तक। विजय मुहूर्त है 2:31 PM से लेकर आपका 3:23 PM तक। और राहु काल है आपका 5:12 से लेकर 6:48 PM तक। तो ये आज के विशेष में आपको रत्न की भी जानकारी मिल गई थोड़ी, और साथ में ये जो संक्षिप्त पंचांग है इससे भी आपको दिन का पता चल गया कौन सा दिन शुभ है, कि कौन सा वक्त शुभ है, कौन सा वक्त खराब है। तो जैसा कि आप जानते हैं, राहु काल में सावधानी, अभिजीत मुहूर्त में करिए शुभ और महत्वपूर्ण काम। अगर आज आपका जन्मदिन है तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी राशि के जो भी लोग हैं उनके लिए आज दिन सफलता का है, यानी अच्छा दिन है। आपकी जो संतान है उसके साथ आपकी प्यार मोहब्बत बढ़ेगा। आपकी संतान अच्छे काम करेगी, अपनी पढ़ाई लिखाई वक्त पर करेगी और प्रगतिशील और उन्नतिशील रहेंगे। और आज जबकि छुट्टी वाला दिन है, लेकिन फिर भी बच्चे आपके बिना कहे अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर लेंगे, जिसको देखकर माता पिता को दिल से बड़ी प्रसन्नता होगी, खुशी होगी कि बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हमारी खुशी सिर्फ पैसे से, दौलत से, शोहरत से नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों से जुड़ी हुई है। अच्छी रोटी सब्जी खाने को मिल जाए तो उससे भी खुशी हमारी बढ़ जाती है। जो चीज़ दो रोटी और दाल सब्जी कर सकती है वो पैसा नहीं कर सकता है। तो हमारी खुशियाँ जो हैं वो जीवन में बहुत छोटी छोटी होती हैं, और अक्सर इंसान इन छोटी छोटी खुशियों को छोड़कर बड़ी बड़ी चीज़ों की तरफ भागता है। तभी वो पछताता है, तभी वो नीचे गिरता है, तभी वो तकलीफ में आता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना, छोटी छोटी खुशियों को बांटना, छोटी छोटी चीज़ों को सीखना, छोटी छोटी चीज़ों को करना, ये अपने जीवन में कभी मत छोड़िएगा, ये करते रहिएगा। आपका आत्मविश्वास आज काफ़ी ऊपर रहेगा, काफ़ी बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर होंगे। प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से फ़ोन पर लंबी बातचीत कर सकते हैं, या छुप छुप के व्हाट्सएप पर अच्छी बातें हो सकती हैं, या फिर मिलने का छोटा सा मौका भी मिल सकता है। बस ध्यान ये रखिएगा कि मास्क वगैरह लगा के जाइएगा। खुशी मिलती है तो अक्सर हम गलतियां कर देते हैं, तो अभी गलतियां मत करिएगा। मास्क वास्क लगाइए, हाथ वाथ धोते रहिए। शेयर मार्केट से लाभ कमाने का, सट्टेबाजी से लाभ कमाने का या उसकी प्लानिंग करने का दिन आज बढ़िया है। बच्चे आज पढ़ाई को लेकर कुछ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, माँ बाप किसी काउंसलर से बात कर सकते हैं कि अब ये पढ़ाई हो गई है, इसके आगे क्या करना है, हायर स्टडीज़ के लिए कहाँ एडमिशन लेना है, कब से स्कूल कॉलेज खुलेंगे,
इत्यादि इत्यादि। इस विषय में चर्चा या विचार विमर्श हो सकता है आप लोगों का हायर स्टडी के मामले में। काम के सिलसिले में आज आप यात्रा के लिए, जो कि शायद आज भी हो सकती है या आगे आने वाले दिनों में हो, उसके लिए बैग की पैकिंग करते हुए नजर आएंगे, अपना सामान वामान रखते हुए नजर आएंगे कि आपसे 2 घंटे बाद निकलना है या 10 घंटे बाद निकलना है। तो यात्रा के योग बन रहे हैं। आप वही करेंगे जो आप करना चाहते हैं। आपसे कोई आज जबरदस्ती एक पत्ता भी नहीं उठवा सकता है। सोशल मीडिया, टीवी या पत्रकारिता या जो भी इंटरटेनमेंट या ऑनलाइन सर्विसेज से जुड़े हुए काम या चीज़ें देखते हैं, उनके लिए अच्छा फायदे भरा दिन हो सकता है। कुछ अच्छी डील, कुछ अच्छी मीटिंग या कुछ अच्छे आप लोग सौदे कर पाए। काम में आ रही बाधाएं कम होंगी। कुल मिलाकर सभी क्षेत्रों में आपको सफलता प्राप्त होगी। चेहरे पर हंसी होगी और जेब में नोट होंगे और दिल में सुकून होगा और दिमाग शांत होगा। सेहत भी बढ़िया रहेगी। भविष्य को लेकर सपने भी देखेंगे। अच्छी योजनाएं सोमवार के लिए बना के रखें ताकि सोमवार के दिन को बड़ी अच्छी तरीके से शुरू कर सकें। धैर्य के साथ काम बनते चले जाएंगे आपके। तो कुछ भी ऐसा आज अनबन होने वाला या खराब होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तो सब बढ़िया है। आपको अपना ध्यान रखते हुए, अपने परिवार का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपनी खुशियों को, छोटी छोटी खुशियों को इस्तेमाल करना चाहिए। जीवन में जितना आप अपने इन्वॉल्व होंगे, आपको पता है, आपको लगेगा कि राशिफल से अलग हट के बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरी है। आपको पता है आप दुखी क्यों हैं? आप इसलिए दुखी हैं क्योंकि आप अपने आप को भूल गए हैं, अपनी खुशियों को भूल गए हैं। आप नाटक करने लगे हैं और नाटक क्या, दूसरे को देखकर चीजें अपनाने लगे हैं। इस नाटक में, इस देखा देखी में आपने अपनापन छोड़ दिया। यह भी एक दुख का कारण है क्योंकि जिस आदमी को हाथ से चावल खाने की आदत हो, उसको चम्मच से खिला दिया जाए तो उसका पेट नहीं भरेगा, उसकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। लेकिन देखा देखी में अपनी कल्चर, अपनी चीजें, अपनी खुशियों को भूलकर कांटा चम्मच पकड़ लिया, भले खाना भी सीख गए लेकिन आत्मा तृप्त नहीं हो रही है, पेट नहीं भर रहा है, जी नहीं भर रहा है। तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि अगर सुखी होना है तो ये राशिफल तो आप देखिए, रत्न भी पहनिए, अंगूठी भी पहनिए, सब कुछ पहनिए, अपने आप को मत भूलिए। जो इंसान अपने आप को भूल कर दूसरे की चीज़ों को अपना लेता है, उस चीज़ का नाटक करने लगता है, फिर वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। ठंडे दिमाग से सोचिएगा, समझिएगा और अपने जीवन पे अपना के देखिएगा और जो आप हैं वो बन के देखिएगा। गारंटी से कहता हूँ, आप कल भी राजा बाबू थे, आज भी राजा बाबू रहेंगे और आगे भी राजा बाबू बन के जीवन बिताएंगे, महिला हो चाहे पुरुष हो। बस नाटक करना छोड़ दीजिए, आडंबर छोड़ दीजिए, मज़ा आ जाएगा। शिव जी की उपासना करिए, हनुमान जी की उपासना करिए, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करिए, माँ सरस्वती का ध्यान करिए, मज़ा आएगा, कष्ट मिटेंगे, आनंद आएगा। रही बात लाजवर्द रत्न लेने की, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, लीजिए ना लीजिए, पहनिए या ना पहनिए, फायदा होगा तो मुझे तो फ़ोन करके 100 में से 5 लोग बोलेंगे सर जी बहुत अच्छा था, 95 तो ये भी नहीं बोलेंगे कि साहब फायदा हो गया, नुकसान हो जाने पे 100 के 100 बोल देंगे, लेकिन नुकसान होगा नहीं। तो आप पहनेंगे तो आपका फायदा है, मेरा फायदा तो आपको देकर एक बार का है, लेकिन जो चीज़ आपके पास चली गई उससे तो आपको रोज फायदा है। ये मत सोचिएगा कि मेरा कोई
नुकसान होगा आपके लेने या ना लेने से, आप नहीं तो कोई और सही, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं, आपके घर में खुशियां आए, आपके घर में प्रसन्नता आए और आप भी वो जिंदगी जिए जिसका सपना आपने या आपके परिवार ने देखा था। इसीलिए ये रत्न, ये रुद्राक्ष हम खोज के लेके आते हैं, मैं आप खुद की बात कर रहा हूँ, लेके आता हूँ जिसमें कम पैसों में आपका जीवन सुधर सके। बाकी आपकी इच्छा है, बाकी जीवन में कोई तकलीफ, कोई कष्ट, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मैं आपको सिर्फ इतना आश्वासन दे सकता हूँ, मेरे से बात करने के बाद, कुंडली की विवेचना कराने के बाद आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा जो पॉजिटिव होगा। हरिओम, नमस्कार।